काम करते हैं। आज से कहना है इस देश की महिलाओं आप लोग सुन लो, इस देश के नौजवानों आप लोग सुन लो, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर लगातार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगातार प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। एक कविता मुझे याद आती है कि जो कविता बचपन में कही जाती थी कि हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बचपन में मछलियों के लिए कविता मछलियों के दर्द को बया करती है, मछलियों के दर्द को बया करती है। आपसे कहना है इस देश के नागरिकों सुन लो, इस देश के आम इंसानों सुन लो, मुद्दों पे राजनीति लाने की जरूरत है। जो राशन कार्ड आपके खत्म गए हैं, कांग्रेस ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बीजेपी ने नया नारा दिया है कि मर जा जवान मर जा किसान और मर जा बेरोजगार नौजवान का नारा दिया है। पहले कांग्रेस ने नारा दिया था इसे हटाओ, बीजेपी ने नारा दिया है कि गरीबों का नाम राशन कार्ड से हटा दो, राशन कार्ड से हटा दो। लड़ाई इस बात की है कि पूरे देश के अंदर महिला पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, नौजवान बुजुर्ग पेंशन हो, तो देश से 1000 मिलती है और मध्य प्रदेश की जनता को 150 से 200 रुपए मिलती है। इस बात के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत इस बात की है कि लगातार झूठ की राजनीति करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हाथों में झंडक नहीं आंखों में पानी भी चाहिए, एक खुदा एक परवरदिगार दुश्मन भी हमें खाना मिल चाहिए। तुम रखो ये झूठे लबड़ों को, ये झूठे लबड़े के तहत तुम्हारे यहाँ बुंदेलखंड है कि ये लबड़ों को हम लोग हैं पुराने, हमें सरकार वही कांग्रेस की पुरानी चाहिए। इस बात को कहने आया हूँ, लगातार आपको कहने आया हूँ कि झूठ की राजनीति करी जा रही है, राम के नाम पे झूठ में बोला जा रहा है, भगवान के नाम पे छला जा रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर राम के नाम पे हो तो राम की मानना भी सीखो, अगर अल्लाह के नाम पे हो तो पैगंबर के पैगाम को समझना सीखो, अगर महावीर को मानते हो तो उसके प्यार तपस्या बलिदान को समझना सीखो। चुनौती देता हूँ बीजेपी वालों को, आपके चिंतन के राम के चरित्र के ऊपर, राम के चरित्र का चिंतन अगर इस देश में राम भाव लाना है तो कट्टरता के भाव से नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा, सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा। राम की उस चौपाई को समझो, रामायण की उस चौपाई को समझो, जिससे लिखा है दूसरों के सुख से बड़ा कोई धन नहीं होता, और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधन नहीं होता। लगातार झूठ की राजनीति करने वाले किसानों को बरगलाते हैं। मैंने शिवराज जी से एक दिन कहा, शिवराज जी हम किसान कुछ भी नहीं मानेंगे, अगर 2-3 चीजें तुमने हमें दे दी। सबसे पहली बात कि सब लोग खेती करते हो कि नहीं करते हो, एक एकड़ में कितने रुपए बचते हैं, कुछ भी नहीं। अरे वो शिवराज के घर से सीखो भैया, वो साधना भाभी खेती करती है, उनकी घरवाली 1 एकड़ में 40 लाख